भारत से बदले की आग में धीरे धीरे खत्म हो रहा है चीन। कैसे कुछ समय में ही भारत ने चीन के चारों खाने चित कर दिए, देखती रह गई दुनिया। चारों तरफ से घिर गया है चीन और उसे पता भी ना चला। चीन नहीं, अब भारत है दुनिया की तीसरी महाशक्ति। भारत की ऐसी रणनीति जिसे कोई सोच समझ ही ना पाया। भारत जो कुछ समय पहले दुनिया के सामने कुछ नहीं था, आज सबका बाप बना हुआ है। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हम आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे भारत का चीन के ऊपर साइलेंट जहर काम कर गया और कैसे भारत के बिछाए गए जाल में फंसता गया चीन। कैसे चीन को पछाड़ तीसरी महाशक्ति बना भारत, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था चीन को पछाड़ पाएगा भारत। आइए जानते हैं किन किन मुद्दों पर चीन को भारत ने कमजोर कर दिया और कैसे खत्म होने जा रहा है ड्रैगन। दोस्तों भारत की रणनीतिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। जापान की एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 1.3 अरब की आबादी वाले भारत का दक्षिण एशिया में काफी प्रभाव है। हिंद महासागर के मध्य में होने के कारण भारत की रणनीतिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत एशिया और प्रशांत सागर को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों को जोड़ता है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस समय पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की चीन से लगी सीमा का सीमांकन नहीं हुआ है। भारत में जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक कई भाषाओं के समूह हैं। देश में नक्सली गतिविधियों को लेकर काफी चिंता बनी रहती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर इस्लामिक आतंकवादी चिंता का सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। चीन और पाकिस्तान से घिरा भारत लगातार अपनी सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। दुनिया हो रही है चीन के खिलाफ। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में 90% लोगों का कहना है कि चीन में लोगों की व्यक्तिगत आजादी को इजाजत हासिल नहीं है। इसमें 13% लोग रिपब्लिकन और 87% लोग डेमोक्रेटिक विचारधारा को समर्थन करने वाले थे। कनाडा में 88%, स्वीडन में 95%, नीदरलैंड में 91%, इटली में 89%, बेल्जियम में 88, स्पेन में 87, जर्मनी में 85, ब्रिटेन में 84, फ्रांस में 83, ग्रीस में 75% लोग मानते हैं कि चीन में लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सम्मान नहीं मिलता। भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती हैं। डोकलाम विवाद के कारण इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए। भारत CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना एतराज जता चुका है। चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत को कहीं फंसा ना पाया और खुद ही मुंह के बल गिरा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 में युद्ध में बुरी तरीके से हरा दिया था? या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? थल सेना में किसका पलड़ा है भारी? दोस्तों इतना तो आप जानते हैं कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत ही जरूरी है। ये तो सभी जानते हैं कि चीन का सैनिक मौका पड़ने पर कुंग-फू का इस्तेमाल कर सकता है और बिना बंदूक के भी लड़ सकता है और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या अन्य पौष्टिक आहारों की खेप का इंतजार न करके जानवर, पशु पक्षी, सांप बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। और तो और वो मरे हुए सैनिक को भी कच्चा खा सकते हैं। चीन के सैनिक ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक हैं, जो दुनिया में सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक माने जाते हैं। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो उनकी मुख्य ताकत उनकी सेना के मंगोल सैनिक थे। दूसरी ओर ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी सेना में अगर अंग्रेज अफसर हों, अमेरिकी हथियार हों और हिंदुस्तानी सैनिक हों तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन है। भारत के सामने क्या होंगी चुनौतियां? दोस्तों चीन के साथ लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, ये पहाड़ों की लड़ाई होगी और पहाड़ों में लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वे हमसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से, फिर लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में बैठे हैं
और भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन का साथ देंगे, तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वो हमारे हिमालय क्षेत्र में उसे लगा सके और उसके पास गोला बारूद, तोप, बंदूक और खाने पीने का सामान इत्यादि पहुंचा सके। ध्यान रहे कि भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख की है, इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23.35 लाख की है और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरह तैयार कर रखा है। अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे और वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है उनमें से आधे अगले 9 सालों में रिटायर हो जाएंगे। इस समय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाडन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाडन की मंजूरी दी हुई है, जबकि जरूरत 45 स्क्वाडन की है। संसद की स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट पर विश्वास करें तो इस वक्त वायुसेना की सही ताकत 25 स्क्वाडन तक सिमट चुकी है। इन 25 स्क्वाडन में से 14 के पास MiG-27 और MiG-21 लड़ाकू विमान है। ये विमान 2015 से 2024 के बीच रिटायर होंगे। चिंता की बात तो ये है कि 2024 तक भारतीय वायुसेना की ताकत 11 स्क्वाडन तक ही सिमट कर रह जाएगी। भारत की वायुसेना चीन से बेहतर कैसे है? दोस्तों, मिराज 2000, MiG-29, C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130J सुपर हरकुलिस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास Sukhoi-30 जैसे लड़ाकू विमान हैं, जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं और लगातार 4.25 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा अब भारत के पास फ्रांस का राफेल जेट विमान भी आने वाला है, जो कि दक्षिण एशिया में युद्ध का नक्शा बदल देगा। भारत को अमेरिका से 4 चीनूक हेलीकॉप्टर भी पहले मिल चुके हैं। चीनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया कराए जा सकेंगे और भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्दी पहुंचा सकेगी। ये हेलीकॉप्टर बहुत ही तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है, यही वजह है कि ये बेहद घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक काम कर सकता है। दुनिया हुई भारत की कायम, दुनिया हर मामले में सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ। दोस्तों, PBNS की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि किसी भी दूसरे देश की हिम्मत नहीं कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी कह सके, भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि भारत की विदेश नीति आजाद और अच्छी है, यानी साफ है कि भारत ने दूसरे देशों के साथ जिस तरह के संबंध स्थापित किए हैं उससे भारत ने कई देशों को प्रभावित किया है। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी, अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।